चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मीरा भयंदर महानगर पालिका के प्रभाग तीन की जहां पर प्रभाग समिति की सभापति के तौर पर चुनी गई है मीना कांगड़े जिनसे बात की हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने मीरा भाईंदर प्रभाग तीन की नव निर्वाचित सभापति मीना कांगड़े जी हमारे साथ हैं उनसे जानते हैं सबसे पहले तो इन ट्वेंटी न्यूज की तरफ से आपको सभापति पद, पद दिए जाने के लिए शुभकामनाएं धन्यवाद थैंक यू सो मच मीना जी अगर बात की जाए सभापति का पद मिला है वो भी इस दौरान मिला जब कोरोना का संकट चल रहा है ऐसे में कोरोना संक्रमण अभी कम नहीं हुआ है और जब देखा जाए तो आप लगातार लॉकडाउन के दौरान भी जनता के बीच रही हैं किस तरह का काम हुआ है वार्ड में कोरोना काल के दौरान ये जो महामारी हुआ ये ठीक नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हमने जितनी कोशिश की हमने बहुत कोशिश किए ये महामारी के वक्त एक हमें मौका भी मिला लोगों की सेवा करने का और ये बहुत अच्छा नहीं हुआ ये कोरोना की वजह से बहुत बहुत सारे लोग घर बर्बाद हो गए लोगों को तकलीफ़ हुई अपने लोग भी सब चले गए तो इस महामारी में मैंने लोगों की सेवा करने का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला चलो मैं कुछ कर सकी देश के लिए अपनी जनता के लिए और ये जनता का जो प्यार है आज उसकी वजह से मैं आज सभापति बनी हूँ मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं सभापति बन सकती हूँ लेकिन ये सिर्फ सिर्फ जनता लोग का प्यार है और जो लोग मेरे पास काम लेके आते हैं मैं उन लोगों का जो काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने लिए कर रही हूँ मैं अपना काम कर रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मुझे लोगों का काम करने का एक मौका भी मिला गया काम करने का मौका मिला गया जनप्रतिनिधि वही होता है जो जनता के सुख दुख में सहयोग सहयोग करे मदद के लिए आगे आए लेकिन अगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का ही परचम लहराया है सभी विभागों में क्या कहेंगी क्या मानती हैं कि मीरा भाईंदर के लोगों ने किस तरह से बीजेपी को यहाँ पर जो है अपना मत दिया है अपना जो है अधिकार दिया लोगों ने किस तरह को बीजेपी को सराहा है आ, बीजेपी वाले लोगों ने सभी ने सभी नगर सेवक नगर सेविका है सभी हमारे आमदार जी हमारे एम एल मेयर सभी ने बहुत मीन्स हमें सपोर्ट किया है हमें बहुत मीन्स क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बहुत सारे आइडिया भी हमें दिए हैं। तो बीजेपी तो सबसे आगे ही था सब कामों में और पूरा छः महीने तो बीजेपी ने बहुत सेवा की है और हमें भी बोला कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें बीजेपी वाले लोगों ने सपोर्ट करके हम आगे ही बढ़े आपने कहा कि आपने कभी सोचा नहीं था कि मैं सभापति बनूंगी क्या वजह है किसकी प्रेरणा मानती है किससे प्रेरणा मिली कि मीना कांगड़े लगातार दिन रात अपना जो है काम करती रही लोगों का प्रतिसाद मिला और आज सभापति बनी किससे प्रेरणा मिली मीना जी को मुझे लग रहा है ये जनता का प्यार है मेरे लिए जनता ने मुझे चुना है जनता ने मुझे प्यार किया है और आज मैं सभापति बनी हूँ मेरे अपने नगर सेवक नगर सेविकाओं ने मुझे चुना है तो उसका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और जनता लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आज इसकी वजह से मैं सभापति बनी हूँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बन सकूँगी बस ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं धन्यवाद करती हूँ सभी का प्यार से बिल्कुल जनता का आशीर्वाद मिला है मीना जी को लेकिन बात की जाए प्रभाग की विभाग की वार्ड की बात करें तो आपके वार्ड में किस तरह की समस्याएं सबसे ज़्यादा हैं समस्या तो बहुत सारी थी ऐसे नहीं कि नहीं थी लेकिन हम सभी नगर सेवक बीजेपी के जो हमारे चारों नगर सेविक हैं हम सब जैसे रोहित काका मदन सिंह जी मीना कांगने शाहानु हम सभी ने मिल के मीन्स पूरे खड़े उतरे हम लोग काम काज के लिए और हम लोगों ने जो बन सका उतना हमने कोशिश की है अगर बात की जाए सभापति होते हुए अब किस तरह के जो है आपके सामने किस तरह की जो है अगर बात करें तो किस तरह के सवाल सबसे ज़्यादा आए हैं आपके पास जैसे अभी भी देख रहा हूँ लोगों का कहीं कोई स्टैंप मांग रहा है कोई जो है आपसे आदेश की बात की जा रही है किस तरह का काम सबसे ज़्यादा आ रहा है आपके पास आ, अभी मुझे सभापति बनने को सिर्फ आठ दिन हुए हैं लेकिन आठ दिन में मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए जिनके घर में पढ़ाई के लिए स्टडीज करने के लिए बच्चों को जगह नहीं होती है कॉलेज गर्ल्स वो लोगों के लिए समझो किसी के घर में रिनोवेशन हो रहा है तो वो हम लोग एम बी एम सी की तरफ से लाइब्रेरी के लाइब्रेरी देते हैं कि आप लोग यहाँ आके पढ़ाई कीजिए और जिसको स्टैम की ज़रूरत है जितना छोटे मोटे काम मैं कर सकती हूँ ब्याह दिन में मैंने बहुत कुछ किया है और मैं आगे भी बहुत अच्छा करना चाहती हूँ और ये काम मैं अपना समझ के कर रही हूँ जनता का नहीं दिवाली सर पर है हर कोई जो है दिवाली का त्यौहार खुशी से मनाना चाहता है ऐसे में कोरोना की वजह से लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं लोगों का त्यौहार फीका पड़ता दिखाई दे रहा है और लगातार हमने देखा कि मीना कांगड़े जी लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाई हुई हैं जिस तरह से एग्जीबिशन की बात की जाए कभी कपड़े का कभी फ्रूट्स का कभी वेजिटेबल का ऐसे तरह के दिवाली को लेकर क्या कुछ खास तैयारी है मीना की तरफ से दिवाली तो अभी कोरोना में दिवाली में तो कहूँ के मैं माफी चाहती हूँ उसके लिए लेकिन मैं कहती हूँ कि दिवाली तो मना नहीं सकते अगर आप लोग मनाते भी हो तो सोशल डिस्टेंस करो मास्क प्रिकॉशन लो मास्क लगाओ सैनिटाइज़र लगाओ और हो सके तो अवॉइड ही करो क्योंकि अभी जो है माहौल उस माहौल में दिवाली मनाना ठीक नहीं है चलो ठीक है हम लोग बाद में फ़ोन कॉल से सबको ग्रीटिंग्स कर सकते विश कर सकते मैं वो ही चाहती हूँ फटाकड़ा नहीं फोड़े क्योंकि ये दिवाली है तो ऐसे वक्त पे थोड़ा माहौल भी ठीक नहीं है अभी भी कोरोना गया नहीं है थोड़ा सा है लेकिन है वो अब जल्द से जल्द चला जाएगा लेकिन दिवाली के वक्त मैं यही चाहूँगी कि अगर तुम लोग दिवाली मनाते हो दिवाली खुशियों का त्यौहार है एक दूसरे का मिलना जुलना होता है अगर तुम लोग मनाते हो तो उसके लिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो प्रिकॉशन लो और मास्क लगाइए वार्ड की जनता को पटाखे न फोड़ने की किस तरह से अपील करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि लोग पटाखे न फोड़े शांतिपूर्वक घर में पूजा पाठ करके दिवाली मनाएं अपने प्रभाग की जनता को किस तरह से मीना कांगड़े अपील करेंगी आ, मैं कोशिश करूँगी व्हाट्सएप द्वारा फेसबुक द्वारा कि आप लोग फटाखड़े मत जलाइए ऐसे माहौल में हो सके तो पूजा पाठ करिए लक्ष्मी जी की पूजा करिए फ़ोन कॉल से सबको दिवाली की बधाइयाँ दीजिए बाद में आप मिलना जुलना करो अगर मिलना जुलना करते भी हो तो प्रिकॉशन लेके ज़रूर करिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन ज़रूर करें दिवाली मनाइए लेकिन सावधानी के साथ मनाइए मास्क लगाइए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए साथ ही लोगों को क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है आप अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दिवाली विश करिए लेकिन हो सके तो दिवाली पर पटाखे ना पोड़े ताकि वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण ना हो इसका भी ध्यान रखें क्योंकि त्यौहार मनाना जितना ज़रूरी है उतना ही जरूरी है कि कोरोना संक्रमण के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी भी बरतें कैमरा देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा इन ट्वेंटी फोर न्यूज मीरा भाईंदर